Hey, what's up everyone? My name is Parth Grotra and you are watching Taza Khabar. सबसे पहले बात कर लेते हैं एलविश यादव और फुकरा इंसान की. क्या इन दोनों के बीच फिर से राइवलरी स्टार्ट हो गई है? प्लेग्राउंड सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में फुकरा इंसान एज अ वाइल्ड कार्ड मेंटर आया और आते ही एलविश यादव को रोस्ट कर दिया. माय फ्रेंड इज हियर. एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? हम बोल सकते हैं. आ गया बोलने वाला. मैं आया हूं आपका न्यू वाइल्ड कार्ड मेंटर. एलविश यादव भी कहां चुप बैठने वाला था. यू आर नॉट इकोन मेंटर. अरे सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े यारे. मैं एलविश को बताने आ रहा हूं कि अनाड़ी कौन है. अभी हमारा जीतना मकसद नहीं है. मैं कह रहा हूं कितने सौ में इज्जत जीता है कभी तो ट्रॉफी जीत जा भैया. जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना बड़ा इंपैक्ट डालती है बाहर की दुनिया में. तुम्हें पता है 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हुआ मैं. ऐसे ज्यादा नहीं पता होगा किसी को. इंपैक्ट डालती है. मजा आएगा इनकी राइवलरी देखने में. भुवन बम ने भी ताजा खबर के सीजन 2 का टीजर आउट कर दिया है. फेमस वड़ा पाव गर्ल के बारे में पुनीत सुपरस्टार ने क्या बोला आप खुद ही सुन लो. कह रही है लोग ये कह रहे हैं कि ये वड़ा पाव वाली खूबसूरत है इसलिए लोग आ रहे हैं. पर उनके टेस्ट भी तो होगा ना खाने में. भाई देखो मैंने खाया है मुझे अच्छा लगा है नॉर्मली जो होता है वड़ा पाव. लेकिन यार एक वड़ा पाव के लिए इतने छबरी लड़के आने को खड़े हो रहे हैं. एक चीज देखी मैंने भाई लाइन लग रही है 50 बंदों की और वहां खड़े कम से कम 1000 बंदे सिर्फ देख रहे हैं. ले कोई नहीं रहा सिर्फ देख रहे हैं. अगर 1000 बंदे आए तो कम से कम 5-6 जोड़ ले तो सही. आप सभी को पता ही होगा आजकल ध्रुव राठी जो भी है पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस बना रहा है. तो इस पर थगेश ने उन्हें क्या कहा आप खुद ही देख लो. इलेक्शन का टाइम आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा आज के टाइम पे? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट पार्टीज, मोदी जी नहीं ध्रुव राठी. भाई ने एक ही दिन में मोदी जी के खिलाफ वीडियो बना के 16 मिलियन व्यूज ले लिए. मोदी जी को तो फेम भी नहीं चाहिए यार हमारे ऊपर बना देते. ध्रुव के हेटर्स बेसिकली उसको बोल रहे थे देश के बाहर से क्या वीडियो बना रहे देश में आके बना. लगता है ये भी रजत भाई से इंस्पायर होकर लोकेशन पे पहुंच गया. क्या आईआईटी बॉम्बे के बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल रही? ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है और 36% बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिली यहाँ पे. लेकिन इसके ऊपर क्लैरिफाई करते हुए आईआईटी बॉम्बे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक पोस्ट आई थी और उसमें मेंशन किया हुआ था कि कुछ बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं फैमिली बिजनेस. तो ऐसे उन्होंने एक पाई चार्ट बना के दिखाया था और उसमें उन्होंने बताया था सिर्फ 6.1% बच्चे हैं जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं और उनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, बाकी सब सेटल्ड है. आशीष चंचलानी ने सभी फैंस के साथ स्कैम कर दिया. गाइस आई नीड टू टॉक अबाउट समथिंग. देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इज बॉदरिंग मी सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट इट. मैं ये अपने देश में नोटिस कर रहा हूँ बहुत टाइम से एंड इट्स हर्टिंग मी. मैंने बहुत टाइम से हर जगह देखा है ये सोशल मीडिया पे हर स्टेट में स्ट्रीट्स में एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. नोबडी इज कॉलिंग इट आउट एंड आई डोंट नो व्हाई. प्लीज मैंने नोटिस किया है कि कॉफी पीने वाले चाय पीने वालों के साथ बहुत रेसिस्ट है एंड आई डोंट लाइक दैट. आप कभी नोटिस करो जो चाय लवर होता है अगर उसको चाय नहीं मिलती है कोई कॉफी ऑफर कर देता है तो वो कुछ नहीं बोलता वो एडजस्ट कर लेता है. अच्छा चाय नहीं है कॉफी है. अरे तो क्या हुआ दूध ही तो है दे दे भाई आज कॉफी पी लेंगे. लेकिन अगर एक कॉफी लवर कॉफी नहीं मिलती कोई बोलता है भाई आज कॉफी नहीं है चाय पी ले तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं हट कवार तुझे मालूम नहीं है मैं कॉफी पीता हूं. डू यू नो विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लाइट? ये देखो एतिहाद एयरवेज की फर्स्ट क्लास सीट द रेजिडेंस. आपको अपना क्वीन साइज्ड डबल बेड मिलता है सोने के लिए साथ ही साथ अपना खुद का एक प्राइवेट बाथरूम और बैठने की जगह जो है वो अलग दी जाती है और इसकी कॉस्ट पड़ती है एक फ्लाइट के लिए 55 लाख रुपए. फ्लाइंग बीस्ट डांस वीडियो विद हनी सिंह गोइंग वायरल. हरियाणा के अपकमिंग सीएम नयाब सिंह सैनी ने सब क्रिमिनल्स को चेतावनी दी कि भाई जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन लोगों से भी आग्रह है कि जो फोन के ऊपर लोगों को धमकी देते हैं वो अपने में सुधार कर लें, नहीं तो ये सुधार भी हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा. मैं आप आज इस मंच से ये बात कह रहा हूँ. ये लोग शांति चाहते हैं, ये प्यार से रहना चाहते हैं. अगर किसी प्रकार की किसी को दिक्कत आएगी तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आप सब लोगों को दिक्कत आ जाएगी. हम किसी को बख्शने वाले नहीं. UK07 राइडर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट गेस्ट ऑन थगेश शो लफड़ा सेंट्रल. भाई हैज लॉन्च हिज न्यू शो एंड उसके लिए उन्होंने इन्वाइट करा था. बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन होने वाले एंड उन्हीं का आंसर देने के लिए हम लोग जा रहे हैं थगेश भाई के पास. मेरे को लग रहा है अभी से थोड़ा डर रहे जवाब देने. उनसे डरूंगा क्या मैं? बहुत बढ़िया एपिसोड बना है भाई.
क्रेजी ऐसे से क्वेश्चन पूछे ना जो सोचे भी नहीं था और उस लेवल की इंटेंसिटी गई है। अनुराग भाई ने क्विट कर दिया बीच में। एक रोस्टर को रोस्ट होते भी नहीं देखा होगा आज से पहले, बट इस वाले एपिसोड में देखना। चलो अब थोड़ी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। हाल ही में चेन्नई और हैदराबाद के बीच में एक मैच हुआ था और उसी मैच के दौरान एक फैन ने 4500 की टिकट परचेज की थी और उस टिकट का नंबर था J66। लेकिन जब वो मैच देखने पहुंचे तो वो सीटी अवेलेबल नहीं थी। J65 और J67 अवेलेबल थी लेकिन बीच में J66 सीटी नहीं थी, तो उन्हें पूरा मैच ऑफिशियल्स के साथ बैठ के देखना पड़ा। सूर्य कुमार यादव इज फिट एंड बैक इन मुंबई इंडियंस और इसी के ऊपर एक मीम वायरल हो रहा है। और अपने कमबैक मैच में सूर्य कुमार यादव जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी बाय 100 रन्स, बेसिकली वो जीरो पे आउट हो गए। व्हाट इरफान पठान हैज टू से अबाउट शिवम दुबे? स्पिन को इंडियन क्रिकेट में अभी फिलहाल इससे ज्यादा ब्रूटल तरीके से कोई भी बल्लेबाज नहीं मारता पूरे इंडियन क्रिकेट में। आईपीएल में आप देख लो, इवन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी ये कमाल का एक अलग लेवल अलग ताकत लेके आया खिलाड़ी शिवम दुबे। वो पहली गेंद हो सेट होने से पहले, सेट होने के बाद स्पिन को लिटरली ये बल्लेबाज मर्डर कर रहा है। फाइनली मुंबई इंडियंस ने अपना पहला मैच इस टूर्नामेंट का जीत लिया है। रोमारियो शेफर्ड ने 32 रन बनाए एक ही ओवर में और ये इस आईपीएल सीजन का सिंगल ओवर का हाईएस्ट स्कोर है। बट एक्चुअल रीजन बिहाइंड मुंबई इंडियंस विन इज दिस। चलो अब थोड़ी बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। शहनाज गिल का नया गाना लॉन्च हो गया और गाने का नाम है धूप लग दी। शहनाज गिल और सनी सिंह ने इसके बारे में एक स्टोरी पोस्ट की थी, वो आप खुद ही देख लो। मैं हूँ सनी सिंह। मैं नहीं हूँ शहनाज गिल, मैं हूँ सनी सिंह, ये है शहनाज गिल। हमारा मेरा गाना आ रहा है एज अ सिंगर और गाने का नाम है धूप लग दी। प्लीज प्लीज जरूर देखना, कहाँ रहा है बताओ? ओनली ऑन प्ले DMF ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के प्रोड्यूसर्स की एक वीडियो वायरल हो रही है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 7 days फ्रॉम द रियल लाइफ छोटे मियाँ टू द रियल लाइफ बड़े मियाँ। छोटे मियाँ चिंता मत कर, 1100 करोड़ कंफर्म है वर्ल्ड वाइड 100%। Now let's talk about technology updates. Ahmedabad traffic police will now wear AC helmets. This will help them to stay cool while on duty. Motorola Edge 50 Pro की सेल कल दोपहर 12 बजे से Flipkart पे स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस होने वाला है 28,000, वो भी सारे ऑफर्स के बाद। चलो अब फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। क्या अब हम UPI से ATM में पैसे डिपॉजिट करा पाएंगे? RBI गवर्नर शक्तिकांत दास अनाउंस्ड अ प्रपोजल टू डिपॉजिट मनी इन कैश डिपॉजिट मशीन्स यूजिंग UPI विदाउट एनी ATM कार्ड। Forbes list of top 10 countries with most number of billionaires out हो चुकी है और उसमें इंडिया थर्ड नंबर पे है with 200 billionaires और फर्स्ट नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स विद 813 billionaires. Voltas AC has crossed 2 million unit sales mark in financial year 2024. ये अभी तक की पहली ब्रांड है जिसने ऐसा नंबर अचीव किया एक साल में। So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही। To stay updated, subscribe to ताजा खबर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, have fun. Bye.